नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर दोस्तों आज के इस लेटेस्टिक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ई पी एस नाइन्टी पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा वास्तव में अब पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और ये खुशखबरी पेंशनरों को बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था जिसका आज अंतिम ये पड़ाव चल रहा है आपको पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी है और अब आपको ये पेंशन कब से मिलने वाली है और आपको कितने रुपए मिलने वाली है ये भी इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी आपको बताऊंगा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल मज़ेदार होने वाला है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें पहले आपने कहा था कि आप वीडियो बहुत लंबे बनाते हो क्योंकि मैं विस्तार से गहराइयों में चला जाता था तो अब मैंने सोचा कि मैं लंबे वीडियो नहीं बना करके शॉर्ट जानकारी छोटे वीडियो में दे हूं। तो उसके बाद में मैंने दो या तीन मिनट का वीडियो कर दिया तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों ई पी एस नाइन्टी फाइव पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के होली पर बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों होली पर आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है तोहफा क्या मिलने वाला है एक आपको बता देता हूँ कि एक अपडेट नहीं हो रहा है कि आपको होली पर जो 18 महीने का बकाया एरियर था वो भी मिलने वाला है जी हाँ दोस्तों आप बहुत राइट एकदम सही अपडेट सुन रहे हैं होली पर आपको बकाया एरियर भी मिलने वाला है अब आपको मैं बताऊंगा जानकारी कि ईपीएस 95 फाइव पेंशनरों को पेंशन किस प्रकार मिलने वाली है क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा पेंशनरों की ही अपडेट दी जाती है बाकी उसके अलावा कोई भी अपडेट मैं यहाँ पर साझा नहीं करता हूँ और यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ दोस्तों आपको बताता हूं कि ई 95 पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के अब बड़ा अपडेट आया है कि आपको अब होली पर पेंशन मिलने वाली है क्योंकि लोकसभा में इस पर आवाज़ें उठी है लोकसभा में दो तीन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में जो ऊंची पहचान रखने वाले थे जिन्होंने इस पर इस मुद्दे पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के आवाज़ उठाई है और पेंशनरों की परेशानियों का जो क्या परेशानी है सामना कर रहे हैं वो वहाँ पर रखी गई है तो अब उसमें ये लोकसभा में ये ई पी एस नाइन्टी फाइव की जो पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो चर्चा में आ गया है तो अब आपको पेंशन मिलने पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब आपको होली पर बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है हो सकता है होली पर आपको पेंशन पचहत्तर सौ प्लस डी भी मिल सकती है लोकसभा में ये आवाज़ उठने के बाद में सभी के चारों ओर ये चर्चाएं हो रही है कि होली पर पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी होली पर पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी होली पर इनको न्याय मिल जाएगा तो हम हमेशा आपको सही और सटीक जानकारी देते रहते हैं आप सही वीडियो में बनाता हूँ फ़ेस टू फेस वीडियो बनाता हूँ क्वालिटीमंद वीडियो आपको देता हूँ बस आप मुझे सब्सक्राइब करें जिनके सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जिनका नहीं किया हुआ है वो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद